आपने एक ट्वीट की, बड़ी पावरफुल ट्वीट थी, मैसेज बड़ा स्ट्रांग था। डीजी आईएसपीआर को आपने उसके साथ टैग किया हुआ था कि वो बताइए कि ये जो आर्टिकल 5 लगाया गया है और जो एलिगेशन है कि फॉरेन पावर से मिलकर रिजीम चेंज की कोशिश की गई है, तो उसके तहत तो 197 मेंबर्स जो थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उस दिन वहाँ बैठ के वोट किया, वो तो सारे फिर या तो बगावत के या गद्दारी के मुर्तकब हो जाते हैं। आपके शो पे सुना कुछ रद्द अमल कोई रॉयटर्स में भी, मगर मसला ये है कि ये नाकाफ़ी इसलिए है कि ये फ़ौरन खान साहब ने अब्यूज़ किया। हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी फोरम जिस पे जो जो इजलास हुआ, इस फोरम में, इस इन इजलास में आपको इस किस्म के फैसले लेने पड़ते हैं कि अगर हमने कहीं जंग करना है तो ज़रूर वो फोरम कंसल्ट करते हैं। दहशतगर्दी के इतने संगीन वाक़े हो रहे होते या एक मसला, उस पे हम इस किस्म के फोरम पे कंसल्ट करते हैं, और खान साहब ने अपना सियासत के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए इस ट्रक की बत्ती का लेटर को इस शोशा को बेचने के लिए हमारा उस फोरम को मुतनाज़ा बनाया, उस फोरम को सियासत में घसीटा है, जिसका हम कंडेम भी करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। इसका हल ये है कि हम तो उस मीटिंग में नहीं थे, खान साहब थे और कुछ दूसरे लोग भी थे। जो खान साहब अब कह रहा है कि उस मीटिंग को इस तरीके से पेश कर रहा है कि सारे के सारे ऑपोजिशन के मेंबर्स किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा है और उसकी वजह से हम गद्दार हैं, तो उसका जवाब सामने आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम भी अपना अप्रोप्रिएट जवाब फिर दे सकें। जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या ये सिर्फ खान साहब कह रहा है या वो वाकई ही उस फोरम का कंक्लूजन था, तो ये सियासत में कन्फ्यूजन रहेगा। उस मीटिंग का जो आउटपुट था, स्टेटमेंट था, उसमें तो ऐसे ही कोई फॉरेन साजिश का जिक्र नहीं था। उसमें अनपार्लियामानी, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का जिक्र था, अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन आर इंटरनल अफेयर्स का जिक्र था, और जो एक्शन लिया गया एक डिमार्श, वो तो डिमार्श एक बहुत ही आम सी डिप्लोमेटिक स्लैप ऑन द रिस्ट है। एंड अगर इतना बड़ा फॉरेन साजिश जिसमें सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें इन्वॉल्व थे, तो वो डिमार्श ना काफ़ी था? और जो ये लैंग्वेज है, अगर फॉरेन साजिश था, फॉरेन साजिश क्यों नहीं लिखा गया? अगर वो जो ये जो लैंग्वेज है कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन आर इंटरनल अफेयर्स, वो इतना आम सा स्टेटमेंट है कि जब भी कोई ममालिक पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में बात करे या इंसानी हकूक़ के बारे में बात करे या उनका राय में हम इंसानी हकूक़ पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स ये है कि हमारा आम सा हमारा जो इंटरनल अफेयर्स में थी गैर ज़रूरी मुदाखलत है। मगर अब खान साहब इसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हम गद्दार हैं, तो इसलिए हमारा और बाकी सब ऑपोजिशन का ये मुतालबा है कि जो दूसरे लोग इस मीटिंग में थे, वो इस बात को क्लैरिफाई करे दूसरे लोगों से मुल्क और मुराद, आम और आम कौम के सामने। इसलिए दूसरे लोगों से मुराद कौन वजाहत करे? जो भी उस मीटिंग में शामिल हमारा अस्करी क़यादत के जो भी मौजूद उस मीटिंग में थे, एंड आई डोंट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड नो एग्जैक्टली विच वन वाज आर्मी इट, चीफ थे, डीजी तो आप थे। तो फिर DGISI आर्मी चीफ। मैंने जब DGISPR से मुतालबा या रिक्वेस्ट किया, तो वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि एक आपने कल क्लैरिफिकेशन मेरे आए। प्रोग्राम का हवाला दिया मैंने देखा नहीं, मैंने मुझे सुना है कि आपका प्रोग्राम में एक क्लैरिफिकेशन जो आया वो कि क्लैरिफिकेशन है वो ये कहती है, जो मुझे मैंने हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल सोर्सेज से पूछा कि उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कोई इंटरफेरेंस थी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है, मेमो गेट हुआ था, एक मेमो गेट में DGISI और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी दोनों ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाए थे, तो वो तरीकाकार क्यों नहीं इख्तियार किया जाता कि अदालत के सामने आर्मी चीफ भी एफिडेविट दें और DGISI भी एफिडेविट दें? अगर तो कॉन्स्पिरेसी है और लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर तो उनको तो मौत की जहाँ तक सज़ा आई एम दें, नहीं तो ग्लैड यू फाइन मिल जाए। मेंशन्ड मेमो गेट, बिकॉज मेमो गेट इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बाहर फेंका, इसलिए उसमें भी कोई हकीकत नहीं था, मगर वो एक गैर जमहूरी साजिश था एक जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़। और अब जो एक शख्स गैर आइनी काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल अगर हमारा आला अदलिया उस वक्त इस किस्म के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते थे, तो आज कम से कम उस मीटिंग के मिनट्स आ सकते हैं, या ज़रूर DGISI को अगर मुमकिन हो उसको भी बुलाया जा सकता है कोर्ट में, उससे भी सुना जा सकता है। बट
We also appeal that the court immediately give us a decision on the actions taken on the 3rd of April, the unconstitutional actions. In cheezon ko aap saath saath na mila de. Ek hai ek ghadari ka issue hai jo isne chhora hai. Agar hum ghadar hai to hame takhtedar par latka de, wo ek dusra issue hai. Jo main issue hai jise hame apna concentration ko nahi hatana chahiye, ki Pakistan, humne to Imran Khan ko gira diya. Magar jaate jaate usne hamara aain tora. पाकिस्तान का आईन तोड़ना कोई कम जुर्म नहीं है, ये आर्टिकल 6 का मुतरातिफ है। और अब आगे जाके हमारे सब के लिए, सियासी जमातों के लिए, पार्लियामान के लिए, अदलिया के लिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मौका है कि हम इस मौका को इस तरीके से हम आगे भरे कि आने वाले वक्त साफ शफाफ इलेक्शंस हो, या हम इस सिचुएशन से ऐसे निकले कि आने वाले वक्त में मुतनाज़ा इलेक्शंस हो, फिर से सिलेक्शन की बात हो, और खुदा ना खास्ता वायलेंट इलेक्शंस हो।